आगरा के फतेहाबाद के श्री महावीर जी पब्लिक स्कूल में 51 फीट ऊंची परशुराम जी की प्रतिमा की आधारशिला रखी गई, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व विधायक संतोष पांडे रहे। प्रदेश के पूर्वी द्वारा आगरा के फतेहाबाद में श्री महावीर जी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन राजेश शर्मा के नेतृत्व में भगवान परशुराम जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला श्री महावीर जी पब्लिक स्कूल में रखी गई। भगवान परशुराम की प्रतिमा पूजन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक संतोष पांडे पहुंचे। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सपा सरकार में भगवान परशुराम जयंती पर छुट्टी की गई तो अगले सरकार तक जारी रही, लेकिन धर्म के ठेकेदारों की सरकार में यह भी छुट्टी समाप्त कर दी गई। पांडे ने कहा कि अगर सपा सरकार बनने पर पुनः छुट्टी घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में किसी भी कीमत पर न होने देने का प्रशासन ने काफी दबाव बनाया, नोटिस जारी किए गए, फिर भी आयोग की टिका नहीं। उन्होंने युवाओं को आगे आने की अपील की, जिससे समाज ऊपर आ सके। उन्होंने बताया कि अगस्त में लखनऊ में 108 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया जाएगा, जिससे पूरे देश में ब्राह्मण बंधु भाग लेंगे। मैं आपको बताऊं, भगवान परशुराम जी की हम पर असीम कृपा है और बड़े भैया संतोष पांडे जी की हम पर पूरी कृपा है। हमने जो ऐलान किया है वो ये ऐलान किया है कि हम जो भगवान परशुराम की जो प्रतिमा है वो हर ब्लॉक पर लगाने का कार्य, बहुत जल्द ये प्रतिमा हर ब्लॉक पर लगेगी और अपनी जमीन लेके लगाने का काम करेंगे, सार्वजनिक में नहीं, अपनी जमीन लेने के लगाने काम करेंगे। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नजदीकी समाज के लोग हैं, उन्हें जागरूक करके वहाँ के लोगों का लगाना। भगवान ब्राह्मण साहब को एक ही संदेश देना चाहते हैं, इतना शांतिप्रिय समाज तो कोई हो ही नहीं सकता, इतना त्यागी समाज तो कोई हो ही नहीं सकता, इतना त्याग ब्राह्मण ने किया। आज ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को भी मानता है, भगवान श्री राम को भी मानता है और जितने भी भगवान है 24 सबको मानता है, ठीक है ना। तो संदेश हमारा ये है कि सबको मानो, भगवान परशुराम को भी। समाज के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल करना चाहेंगे। ये ब्राह्मणों के प्रोग्राम है, जो ब्राह्मणों के भगवान परशुराम है और जो भी सामाजिक प्रोग्राम है उनमें ब्राह्मण बढ़ चढ़ के भाग ले, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो गीता का पाठ हो रहा हो और चाहे वे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें ब्राह्मण बढ़ चढ़ के भाग ले, क्योंकि ब्राह्मण का ही दायित्व बनता है कि समाज को जागरूक करना और समाज को संस्कार देना, ये ब्राह्मण का दायित्व बनता है।